अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी वर्स। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी मुहर्रम की मुनासबत से है, तो आज हम बनाएंगे चना यखनी पुलाव। तो चलते हैं और आपके लिए बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने 3 पाव बॉयल चने लिए हैं, इसके साथ ही आधा किलो मैंने दही ली है और 1.5 पाव मैंने ऑयल लिया। 2 किलो मैंने आलू लिए हैं जिसको काट के मैंने पीसेस कर लिए हैं, इसके साथ ही आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं जिसको स्लाइस कर लिया है, 1.5 पाव प्याज लिए जिसको ब्राउन कर लिया है, और 15 मैंने हरी मिर्च छोटी लिए जिसको मैंने चॉप कर लिया। इसके साथ ही 2 चाय के चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने सौंफ का पाउडर, 2 खाने के चम्मच धनिया भुना हुआ मोटा कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, उसके साथ ही 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसके साथ ही 1/4 चाय का चम्मच लिया है जायफल पाउडर, और आधा से कम थोड़ा सा लिया है मैंने जावित्री का पाउडर, इसके साथ 3 खाने के चम्मच लिए मैंने चिकन पाउडर, 3 खाने के चम्मच लिए मैंने नमक, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, इसके साथ ही साबुत गरम मसाले में 3 अदद बड़ी इलायची, 6 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दार चीनी, 1 चाय का चम्मच साबुत लाल मिर्च और 6 अदद लौंग लिए। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूंगी। इसके साथ ही हमने साबुत गरम मसाला शामिल कर देना है। 3 अदद हमने सब्ज़ इलायची भी शामिल करनी है। गरम मसाले के बाद हमने आलू शामिल कर देना है। इसके साथ ही 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको आलूओं को अच्छे तरीके से हमने अदरक लहसुन के साथ भून लेना है। फ्लेम को मैंने अभी फुल रखा हुआ है। हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब हम शामिल करेंगे बॉयल चने। इसके साथ ही अब हम सारे मसाले शामिल करेंगे। अब हम सारा मसाले शामिल करेंगे। ये सब मसाले को मिक्स करके एक प्याली में डाल दिया है। ये मसाला पूरा शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे दही और ब्राउन प्याज। इसके साथ ही ब्राउन प्याज है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है,
ये भी मिक्स करेंगे और उसके साथ ही ये जैफल जगत्री खुशबू के लिए जो हम डालेंगे वो भी शामिल कर देंगे। मसाला भूनने के लिए रख दिया हमने, जैसे मसाला भूनता है हमने चावलों का पानी शामिल कर दिया है। ये देखिए मसाला भून गया है, तो हम आलू को भी चेक करते हैं। इसके साथ ही अब हम शामिल करेंगे ये टमाटर और 10 अदद हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ ही और नमक शामिल चुका है। 10 सेकंड के बाद ही हमें पानी शामिल करना है और राइस डालेंगे। मैंने 2 किलो राइस लिए हैं, सेला राइस है जिसको 3 घंटे भिगो दिया है और इसका 3 दफ़ा पानी भी चेंज कर लिया है। अब मैं इसको मसाले में शामिल करूंगी। मैं पानी शामिल करूंगी, दो किलो राइस है उसके हिसाब से हमने 10 किलो पानी शामिल 10 गिलास पानी शामिल करना है। सॉरी, पानी हो चुके हैं। दस पूरे गिलास शामिल कर लिए हैं। अब जैसे ही उबाल आता है हमने चावल को शामिल कर देना है। पानी में उबाल आ गया, अब हम चावल शामिल करेंगे। सारे राइस हमने शामिल कर लिए हैं। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। इसी तरीके से हमने चावलों को मिक्स कर लिया है पानी डालने के बाद। नमक भी चखेंगे और इसके साथ ही इस टाइम पे मैं शामिल करूंगी तेज़पात, क्योंकि मैं ऑलरेडी गर्म मसाले में पीस चुकी हूँ इसलिए मैं इस वक्त डालती हूँ। इसके साथ ही मैं ज़ाफ़रानी केवड़ा शामिल करूंगी, 2 खाने के चम्मच। अब हम इसको पकने देंगे। मैं अब यही राइस पे चावल चम्मच घुमाऊंगी, अब मैं चम्मच इसमें शामिल नहीं करूंगी। पकने देते हैं। देखिए पानी खुश्क हो चुका है, अब हम रखेंगे दम पे। देखिए हम दम पे रख देंगे। चावल को दम लग चुका है, अब हम शामिल करेंगे ब्राउन प्याज। बस हमने पनीर कर लेना है जैसे बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैं ज़्यादा चम्मच नहीं घुमाऊंगी, लेकिन ये माशाल्लाह से ये देखिए खिला खिला राइस है। अब हम डिश आउट करते हैं। चना यकनी पुलाव की रेसिपी रेडी हो चुकी है। महरूम हराम की नियाज में ये चना यकनी पुलाव ज़रूर बनाइएगा।
और इस दुआ के साथ कि मेरा रब हमारी हर दुआ को कबूल करता है, मैं दुआ करती हूँ कि हर घर का दस्तरखान वसी कर दे, हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे और सबको रिच से माला माल कर। जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।